आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 21 साल बाद उत्तराखंड और यूपी में परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 21 साल से चल रहा परिसंपत्तियों का विवाद सुलझ गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक सभी मामलों का समाधान हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में लखनऊ में हुई दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों की बैठक में परिसंपत्तियों के मसले पर सिलसिलेवार चर्चा हुई। राजनाथ 20 को आएंगे पिथौरागढ़। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 नवंबर को एक दिवसीय भ्रमण पर पिथौरागढ़ आएंगे। वह मुनाकोट के झोलखेत मैदान में होने वाले सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केजरीवाल 21 को आएंगे हरिद्वार। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आएंगे। वह तीर्थनगरी में रोड शो करने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता को टिप्स देंगे। बृहस्पतिवार को प्रदेश कार्यालय में आप प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने प्रेस वार्ता में बताया कि अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को हरिद्वार में रोड शो करेंगे। एशियाई तीरंदाजी में ज्योति चैंपियन तो विश्व चैंपियनशिप की 3 बार की रजत पदक विजेता ज्योति सुरेखा बिनाम ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड में राज्य की ओर से लागू सभी कोविड प्रतिबंध खत्म। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से 18 अक्टूबर को लागू किए गए सभी कोविड प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल केंद्रीय दिशा निर्देश का पालन ही अनिवार्य होगा, जिसके उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर को कोविड प्रतिबंध की SOP जारी की थी, जिसमें शादी विवाह को लेकर के कार्यक्रमों में सीमित उपस्थिति के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई थी। यह कोविड प्रतिबंध 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के लिए लागू किए गए थे। इस बीच बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने इस कोविड प्रतिबंध की SOP को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। अब सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मास्क पहनना, 6 फीट की दूरी रखना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। देव दीपावली पर धर्मनगरी में दिखा दिव्य नज़ारा। तो कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली के अवसर पर हरिद्वार में हर की पेड़ी और आसपास घाट की सीढ़ियां 11,000 दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। गलत हाथों में ना पड़े क्रिप्टो करेंसी, युवाओं के पथ भ्रष्ट होने का डर। तो सिडनी संवाद प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतांत्रिक देश इस पर साथ करें काम। कैबिनेट बैठक 23 नवंबर को। तो कैबिनेट बैठक की नई तारीख तय कर दी गई है। 23 नवंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाले प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। पहले यह बैठक 11 नवंबर को थी। खुर्शीद के बंगले में फायरिंग, आग जनी में 4 गिरफ्तार। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के प्यूड़ा स्थित बंगले में बीते सोमवार को हुई फायरिंग और आग जनी के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्चों को गलत इरादे से छूना भी पॉक्सो के तहत अपराध। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि बच्चों को गलत नियत से छूना भी पॉक्सो कानून के तहत अपराध है। यौन हमले का सबसे महत्वपूर्ण कारक यौन मंशा है, बच्चों की त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं। बम्बई हाईकोर्ट ने एक विवादित फैसले में कहा था कि यदि आरोपी और पीड़िता के बीच त्वचा से त्वचा का सीधा संपर्क नहीं हुआ है तो पॉक्सो कानून के तहत अपराध नहीं बनेगा। उत्तराखंड में 26 को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रदेश में 26 नवंबर को कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के 29 शहरों में 178 केंद्रों पर परीक्षा कराने की रूपरेखा तय की है। गुरुवार को रामनगर शिक्षा परिषद के कार्यालय में बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी की अध्यक्षता में नोडल परीक्षा केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। UTT प्रभारी CP रतूड़ी ने बताया कि UTT प्रथम में
44,973 व द्वितीय में 39,878 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। प्रवेश पत्र वेबसाइट www.uktet.com पर अपलोड कर दिया गया है। सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा 4 और 5 दिसंबर को होगी। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तर पदों की भर्ती परीक्षा के लिए तिथियों का ऐलान कर दिया है। 4 और 5 दिसंबर को 3 पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए 216,519 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो आवेदकों के लिहाज से उत्तराखंड में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर के कुल 854 पदों के लिए इसी साल प्रारंभ में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी। आवेदन प्रक्रिया के तहत आयोग को कुल 216,519 आवेदन प्राप्त हुए। इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आयोग को 156,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। आयोग के सचिव संतोष बड़ून ने बताया कि परीक्षा केंद्र तय करने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके बाद आवेदकों को ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। आवेदन में सुधार की समय सीमा भी अब समाप्त हो गई है। नव नियुक्त 999 फॉरेस्ट गार्ड को प्रभाग को मिले। तो वन और वन जीवों की सुरक्षा को लेकर के अच्छी खबर है। वन विभाग ने 999 फॉरेस्ट गार्ड को वन प्रभाग आवंटित कर दिए हैं। उन्हें 15 दिसंबर तक ज्वाइनिंग करने को कहा है। देहरादून में रोजगार मेला 25 को लगेगा। तो दून में 25 नवंबर को लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में होगा। 18 से 35 साल तक के युवाओं को मौका मिलेगा। 76 हेडमास्टर जल्द बनेंगे प्रधानाचार्य। तो उत्तराखंड के 76 इंटर कॉलेजों को जल्द ही स्थायी प्रधानाचार्य मिलने जा रहे हैं। 2000 LT शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता भी साफ। तो शिक्षा विभाग के 2279 LT शिक्षकों के प्रवक्ता पद पर प्रमोशन के प्रस्ताव पर शासन ने भी मुहर लगा दी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के इस प्रस्ताव को शिक्षा सचिव डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने गुरुवार को मंजूर किया। अब इसे लोक सेवा आयोग भेजा जा रहा है। हरीश रावत से मिले NIUS DLED प्रशिक्षु। तो NIUS DLED प्रशिक्षित बेरोजगार गुरुवार को पूर्व CM हरीश रावत से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार मान्यता के बाद भी बेसिक शिक्षकों की भर्ती में मौका नहीं दे रही है। पूर्व CM ने कहा कि NIUS DLED प्रशिक्षकों के साथ सरकार का दोहरा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष कपिल देव ने बताया कि मौजूदा CM को 6 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। अगर हमारी बात को सरकार जल्द नहीं मानती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर की विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें अभ्यर्थियों का जो नियुक्ति आदेश है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अभ्यर्थी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-21 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें अल्मोड़ा ज़िले की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। तो एक बार फिर से जो अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जो है स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 23 नवंबर को प्रातः 11 बजे जो है वो कार्यालय में अपने प्रमाण पत्र लेकर के उपस्थित हों। इससे संबंधित अभ्यर्थियों का इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थियों का दावा जो है वो मान्य नहीं होगा। तदुपरांत विज्ञप्ति के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाएगी। तो इसमें यहाँ पे बताया गया कि 23 तारीख को यहाँ पे अनिवार्य रूप से पहुँचना होगा। जो अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे उसके बाद अगर वे आते हैं तो वो मान्य नहीं होंगे और उसके बाद एक और जो है वो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। बोर्ड की पुनर्परीक्षा में 9 में से 1 छात्री फेल। तो उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों की ओर से दी गई पुनर्परीक्षा का रिजल्ट बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया गया। 9 में से 1 छात्री फेल हो गया। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 100 और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 80% रहा। 688 अभ्यर्थियों ने छोड़ी बीएड की प्रवेश परीक्षा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड की प्रवेश परीक्षा बृहस्पतिवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कृषि क्षेत्र के विभिन्न पदों पर अवसर। तो कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में 90 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अवसर वेबसाइट पर जाकर के आवेदन जो है वो
पद के अनुसार 6 से लेकर के 12 दिसंबर तक कर सकते हैं। विद्युत बोर्ड में ड्राइवर के पद खाली, तो 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में बम्पर पद रिक्त, तो 2700 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर व असिस्टेंट के पदों पर करें आवेदन, तो 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बगैर प्रवक्ता चल रहा इंटर कॉलेज, तो हिमालय क्षेत्र से सटे खाती गांव में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में इंटर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एक भी प्रवक्ता की तैनाती नहीं है। 3 एलटी शिक्षक और 2 अति शिक्षक 7 कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। 102 छात्र संख्या वाले खाती के जीआईसी में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्राथमिक स्कूल में 42 बच्चों को पढ़ा रहे 2 शिक्षक, तो खाती गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल भी घोर अव्यवस्थाओं के बीच संचालित हो रहा है। 42 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मात्र 1 शिक्षक तैनात है। वही खबर है हल्द्वानी से, गोला पुल पर सेल्फी ले रहा युवक नदी में गिरा, मौत। तो गोला पुल की रेलिंग पर बैठकर सेल्फी ले रहा युवक संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। गंभीर घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। अल्मोड़ा में जिला स्तरीय बैठक कल होगी। एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित हो गया है। अल्मोड़ा में ईंधन के दाम घटे, सब्जियों के दाम जस के तस, तो डीजल के दामों में कमी से खाद्य सामग्रियों के दामों में 5-10% तक की कमी आई है। पटवारी की एक ही रिपोर्ट कई प्रमाण पत्रों में काम आएगी, तो जाति, स्थायी निवास और आय सहित अलग अलग प्रमाण पत्रों में अब पटवारी लेखपालों की एक ही रिपोर्ट से काम चल जाएगा। अभी हर प्रमाण पत्र पर अलग अलग रिपोर्ट लगती है जिससे आवेदक को तय समय पर सेवा नहीं मिल पाती। राज्य सरकार ने एक दिन अपने ही अपनी सरकार पोर्टल बनाकर विभिन्न प्रमाण पत्रों समेत 75 प्रकार की सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया है। 10 किलोमीटर लंबे जाम में घंटों फंसे रहे यात्री, तो भीमताल हल्द्वानी मार्ग बंद होने के कारण गुरुवार को भीरपट्टी से भवाली के बीच करीब 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जाम लग गया। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं खबर है नैनीताल से, चरस तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, तो अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट राकेश कुमार सिंह की अदालत ने हल्द्वानी के एक चरस तस्कर को 10 साल की कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। ज्योलीकोट में पिजड़े में कैद हुआ गुलदार, तो ज्योलीकोट के चौपड़ा ग्राम सभा के दांगड़ टॉक में गुलदार पिजड़े में कैद हुआ है। टिहरी में भाजपा की बड़ी जीत, 21 में से 20 सदस्य जीते, तो जिले के डीपीसी चुनाव में 21 सदस्यों में से 20 सदस्य भाजपा के आए हैं। बद्रीनाथ में कपाट 20 को होंगे बंद, प्रक्रिया शुरू, तो श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होने हैं, इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में भाजपा के 8, कांग्रेस के 4 सदस्य निर्वाचित हुए। कक्षाओं में पढ़ाने नहीं आ रहे प्रोफेसर, तो श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के DSW से वार्ता करते छात्र। कर्मियों की हड़ताल से कामकाज ठप, तो परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मियों का कार्य बहिष्कार पौड़ी में गुरुवार को भी जारी रहा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर विभागीय ढांचे में कम किए जाने से नाराज मिनिस्ट्रियल कर्मी 16 नवंबर से कार्य बहिष्कार पर हैं। मोरी के 30 छात्रों में पीलिया के लक्षण मिले हैं। जखोली में पर्यटन विकास मेला 22-26 नवंबर तक होगा। यमुनोत्री जिले के लिए बड़कोट में प्रदर्शन, तो अलग जिले की मांग को लेकर के 21 नवंबर को बैठक करेंगे रवाई घाटी के लोग। श्रीनगर के मालढेया में कार दुर्घटना में एक की मौत, तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीयंत्र टापू के पास मालढेया में बुधवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर के अलकनंदा नदी में गिर गई जिसमें कार चालक की मौत हो गई, जबकि एक घायल को बेस अस्पताल श्रीकोट में उपचार के लिए भेजा गया है।
उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मरीज मिले, तो राज्य में कोरोना के 12 नए केस सामने आए। 6 मरीज ठीक होने के बाद घर भेजा गया। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को देहरादून में 5, हरिद्वार में 3, नैनीताल में 2 और टिहरी में 1, उधम सिंह नगर में 1 केस सामने आया। पूर्व सैनिक आदेश होने से पहले आंदोलन से हटने को तैयार नहीं, तो श्री मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय संविदा पर नियुक्ति का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। 2 महिला आंदोलनकारियों का निधन, शोक जताया। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली वयोवृद्ध 2 महिला राज्य आंदोलनकारियों का निधन हो गया। 7 दिन में पूरी होनी थी जांच, 100 दिन में भी पूरी ना हो कर पाए अफसर। तो कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बिठाई थी जांच, आदेश के बाद नए पदों पर काम कर रहे हैं कर्मचारी। गाड़ी खरीद ली, बिना नंबर प्लेट कैसे चलाएं। तो आरटीओ के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। शहर में 2,000 से ज़्यादा लोगों ने दोपहिया और चौपहिया वाहन खरीदे हैं, लेकिन हड़ताल के कारण इनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। दाखिले से हजारों छात्र वंचित, निजी कॉलेजों में सीट बढ़ाने की मांग। तो जिले के हजारों छात्र कॉलेजों में दाखिले से वंचित रह गए। इनके समर्थन में छात्रों ने मुहिम शुरू कर दी है। सभी कॉलेजों के छात्र नेता और तमाम संगठन निजी कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए दून के कॉलेजों में छात्रों का प्रदर्शन। और छात्र राजनीति के लिए घमासान शुरू, कहीं भूख हड़ताल तो कहीं ज्ञापन दिए। लाहौरी और काठगोदाम एक्सप्रेस का नंबर बदला। तो रेलवे ने दून अमृतसर के बीच चलने वाली लाहौरी और दून काठगोदाम के बीच चलने वाली काठगोदाम एक्सप्रेस का नंबर बदल दिया है। कोरोना काल से पहले इन ट्रेनों के जो नंबर थे अब वही हो गए हैं। नौकरशाही में एक और फेरबदल के आसार। तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद अब राज्य की नौकरशाही में एक और फेरबदल के होने के आसार हैं। आपदा प्रभावितों के निःशुल्क बनेंगे वोटर आईडी कार्ड। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग ने कमर कस लिया। आयोग के केंद्रीय उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने बृहस्पतिवार को सचिवालय में चुनाव को लेकर के चल रही तैयारियों की समीक्षा कर अफसरों को निर्देश दिए। 2 सप्ताह अनशन के बाद मिला समस्या के समाधान का आश्वासन। तो कर्ज में डूबने के बाद नैनीताल का हेमचंद्र कर रहा था, सीएम के मीडिया सलाहकार ने तुड़वाया अनशन। निगम की सभी 15 सीटों पर भाजपाई पार्षद काबिज। तो देहरादून नगर निगम की 15, ऋषिकेश की 2, नगर पालिका मसूरी डोईवाला विकास नगर हरबरपुर की 1-1 सीट हुआ निर्वाचन। डंपर कंटेनर की टक्कर में चालक की मौत। तो शिमला बाईपास पर तेज रफ्तार डंपर और कंटेनर ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को चौकी में खड़ा किया। 6 कंपनियां देंगी रोजगार का मौका। तो दून में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 6 निजी कंपनियां बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। सेवायोजन कार्यालय में 25 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व में गाड़ियों के टैक्स व टिकट में पर्यटकों को मिलेगी भारी छूट। तो 250 की जगह 150 रुपये व टिकट के लिए 150 की जगह 100 रुपये वसूले जाने का प्रस्ताव है। आज होगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुक्रवार को होगा, जिसकी शुरुआत सुबह 11:34 से होगी। इसकी समाप्ति शाम 5:33 पर होगी। कैरियर काउंसलिंग फेस्टिवल हर तहसील पर होंगे। तो अगले महीने राज्यपाल पिथौरागढ़ के डीडीहाट से करेंगे इसकी शुरुआत। राजधानी दून में खुलेगा एक और महाविद्यालय। तो राजधानी देहरादून शहर स्थित प्रदेश के 3 नए महाविद्यालय मिले हैं। बृहस्पतिवार को शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। नैनीताल जिले के रामगढ़ और उत्तरकाशी जिले के मोरी में भी नए महाविद्यालय को मंजूरी मिली है। इन्हें मिलाकर पिछले 1 महीने के भीतर अब तक 12 नए महाविद्यालयों को मंजूरी मिल चुकी है। 2 दशक बाद बंटवारे में परिवहन निगम को मिले 205 करोड़ रुपए। तो निगम की 4 बड़ी संपत्तियों के मामले पर हुई यूपी उत्तराखंड सीएम के बीच वार्ता।
हादसे में युवक की मौत, तो मालढिया में नदी में गिरी कार, एक की बची जान। जीआईसी टिकोची में 30 छात्राएं बीमार, तो जांच में हुई जांच के लिए पहुंची टीम, 8 में पीलिया के लक्षण मिले हैं। छात्रों का कुलपति सचिवालय में प्रदर्शन, तो कक्षाओं के संचालन व चुनाव की मांग पर अड़े रहे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो पूर्णिमा स्नान आज, पुलिस ने चाक चौबंद की व्यवस्थाएं, तो सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र को 8 जोन और 32 सेक्टर में बांटा गया है। आज खुले रहेंगे धान क्रय केंद्र, राइस मिल, तो जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शुक्रवार को राजकीय अवकाश के दिन भी धान खरीद केंद्र और राइस मिलों को खुला रखने के निर्देश जारी किए हैं। 40वीं बटालियन को 4 गोल्ड समेत 16 पदक मिले। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो 2.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे यात्री, सबने एक साथ कहा हैप्पी बर्थडे नैनीताल, तो नैनीताल का 180वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। तो नैनीताल का 180वां जन्मदिन बृहस्पतिवार को धूमधाम से मनाया गया, विभिन्न संस्थानों और संगठनों की ओर से बनाए केक आकर्षण का केंद्र रहे। रामगढ़ में भी खुलेगा राजकीय महाविद्यालय। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो चंपावत जिले में बनेंगे 5 स्टील गर्डर पुल, पिथौरागढ़ से शुरू की जाए एयर एम्बुलेंस, तो वरिष्ठ नागरिकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। अल्मोड़ा की पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में जान गई, तो रुद्रपुर कोर्ट से लौट रही काशीपुर कोतवाली की महिला पैरोकार को एनएच पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डीएल बनाने का काम ठप, परेशान रहे लोग। वही खबर है, ये बागेश्वर से प्रसिद्ध शिखर भनार मेले का आगाज, 3 दिनी मेले का नौलिंग मंदिर में होगा समापन, 50 से अधिक गांवों के लोग होते हैं शामिल। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो नानक माता से खबर है, ये वाहन की टक्कर से बाइक सवार ससुर दामाद समेत 3 की मौत, तो रिश्तेदार के इंतकाल पर गए थे खटीमा, लौटते समय प्रतापपुर चौकी के पास हुआ हादसा। दूसरी डोज लिए बगैर ही जारी हो रहे पूर्ण टीकाकरण के प्रमाण पत्र, तो एक ओर सरकार 100 करोड़ का कोरोना टीकाकरण हो जाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी डोज लगवाए बिना ही कई लोगों के मोबाइल पर वैक्सीनेशन हो जाने के मैसेज आ रहे हैं। वहीं खबर है, रुद्रपुर से 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का प्रयास, तो 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। वृद्धा से दुष्कर्म, तो क्षेत्र के गांव में 70 वर्षीय महिला के साथ युवक ने दुष्कर्म किया, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। भाजपा को 6 और कांग्रेस को 1 सीट, 3 निर्दलीय जीते, तो जिला योजना समिति को मिले 10 सदस्य।